अरे भाई, ये रिंकू सिंह कौन है? आप कोई पूछे तो उससे कह दीजिएगा कि ये वो रिंकू सिंह है जिसने 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि आखिरी ओवर में 5 छक्के मारकर मैदान में मौजूद सभी लोगों को खड़े होकर ताली बजाने को मजबूर कर दिया। वो रिंकू सिंह जिसकी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पूरा नाम रिंकू खानचंद सिंह, उम्र 25 साल, जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। लेकिन आज सिक्सर किंग बनने से या शाहरुख खान या ब्रेंडन मैकलम, सहवाग या दुनिया भर में टॉप ट्रेंड करने से पहले रिंकू की पहचान ये नहीं थी। रिंकू की पहचान थी कि ये वो रिंकू है जिसके पिता सिलेंडर ढोते हैं यहां से वहां तक, जिसका भाई ऑटो चलाता है, जो 9वीं फेल है, वो जो अपने परिवार की गरीबी देखते हुए अंडर-19 क्रिकेट जब खेल रहा था तो नौकरी की तलाश में लोगों के घर झाड़ू पोछा लगाने पहुंच गया, कुछ दिन झाड़ू पोछा लगाया। वो रिंकू सिंह जिस पर बीसीसीआई ने 3 महीने का बैन लगा दिया था क्योंकि घर में पैसे थे नहीं और बाहर एक टूर्नामेंट खेलने चले गए, बीसीसीआई ने 3 महीने का बैन लगाया। वो रिंकू सिंह जिसे जब पहली बार पैसा मिला आईपीएल में तो उसने कहा इतने पैसे करेंगे, इतना तो हमने देखा ही नहीं है, सोचा नहीं था कि भगवान इतना मेहरबान होंगे। लेकिन वक्त बदला और आज रिंकू सिंह चर्चा के केंद्र में है। ये रिंकू सिंह कौन है? कौन है रिंकू सिंह? आपको ये सवाल पूछे तो उससे कह दीजिएगा कि रिंकू सिंह वो खिलाड़ी है जिसने जब 5 छक्के मारे तो पूरा स्टेडियम उसके लिए खड़ा हो गया था। ट्विटर से लेकर फेसबुक, इंस्टाग्राम पर सिर्फ एक आदमी ट्रेंड कर रहा था जिसकी काबिलियत का दुनिया लोहा मान रही थी। नाम रिंकू सिंह। हाइट कम लेकिन फाइटफुल, जबरदस्त खिलाड़ी, जबरदस्त जज्बा और वो दिखाई पड़ा। लेकिन रिंकू सिंह की पहचान हमेशा से इस फाइटर की नहीं रही है। रिंकू सिंह की कई पहचानें रही, मसलन वो लड़का जिसके पिता घर घर जाकर सिलेंडर ढोया करते थे, वो लड़का जिसका भाई ऑटो रिक्शा चलाता है, वो रिंकू सिंह जिससे क्रिकेट खेलने पर उसके पिता कायदे से कूट दिया करते थे कि कुछ काम धंधा कर लो, वो रिंकू सिंह जो 5 भाई बहनों में 3 नंबर पर है और परिवार में गरीबी एक दौर में इस हद तक आ गई कि रिंकू सिंह को नौकरी ढूंढनी पड़ी और क्योंकि वो 12वीं भी पास नहीं है लिहाजा उन्होंने झाड़ू पोछे का काम शुरू कर दिया। झाड़ू पोछा काफी दिन किया लेकिन फिर लगा यार ये होने वाला नहीं है, अपने दम पे कुछ करते हैं और क्रिकेट खेलना शुरू किया। दिल्ली के एक टूर्नामेंट में मोटरसाइकिल जीती, पिता को दी, पिता ने सपोर्ट किया और उसके बाद पंजाब किंग्स 11 ने खरीदा और आगे कहानी जो है अब वो दुनिया जानेगी क्योंकि नाम है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह के बारे में उनके साथी खिलाड़ी बार बार ये कहते हैं कि रिंकू सिंह कभी हार नहीं मानते, उनके अंदर एक जोश है, जज्बा है, जुनून है जो उन्हें बाकी लोगों से खास बनाता है। लेकिन कहानी जो है वो बड़ी दिलचस्प है और इस कहानी से आप प्रेरणा ले सकते हैं क्योंकि ये वो रिंकू सिंह है जिनके आईपीएल में ऑक्शन से 1-2 साल पहले तक परिवार पर 1-2 नहीं बल्कि 5 लाख रुपए कर्जा था। और जैसा हमने आपको बताया कि वो 12वीं पास नहीं है, केवल 9वीं फेल है रिंकू सिंह, 8वीं पास है और 8वीं फेल होने की वजह से झाड़ू पोछा का उन्हें काम मिलता है, परिवार में पैसे नहीं होते हैं, तमाम तंग हाली में गुजरते रहते हैं, तभी क्रिकेट उनका जो पैशन होता है वो उन्हें एक बड़ी दुनिया दिखाता है। रिंकू सिंह को पहली बार जब ऑक्शन में खरीदा गया 10 लाख रुपए में तो बड़े खुश हुए थे, दूसरी बार जब वो ऑक्शन में गए और पंजाब ने पहली बार खरीदा 10 लाख रुपए में तब एक मैच खेलने का मौका मिला था, इसके बाद केकेआर ने ऑक्शन में उन्हें लिया 80 लाख रुपए में। रिंकू सिंह कहते हैं उस दौर में कि जब 80 लाख रुपए आए तो मेरा दिमाग खराब हो गया, लगा यार गुरु ये क्या है, क्योंकि मुझे लगा था कि 10 लाख पिछली बार मिले थे, इस बार सिलेक्शन होगा तो शायद 20 मिल जाएंगे और 20 लाख रुपए बहुत होते हैं, लेकिन जब कहा 80 लाख मिल रहे हैं तो उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आया इतने पैसे का हम करेंगे क्या, क्योंकि हमारे पूरे खानदान में 80 लाख रुपए कभी किसी ने नहीं देखे। वो कहते हैं भावुक हो गया कि भाई की शादी हो जाएगी, बहन की शादी हो जाएगी, शायद घर भी खरीद लेंगे, 80 लाख में तो क्या क्या हो जाएगा। रिंकू सिंह यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, अंडर-19 में खेलते थे और कहते हैं कि घर में पैसे नहीं हुआ करते थे, पिताजी जो हैं वो 5-6 हजार रुपए कमाते थे, एक लोकल टूर्नामेंट दिल्ली में खेला जहां पर मैंने रन बनाए, उसके बाद एक मोटरसाइकिल मिल गई, मोटरसाइकिल जब मिली तो मैं बहुत खुश हुआ, मैंने वो मोटरसाइकिल जाकर पिताजी को दे दी क्योंकि उससे पहले पिताजी मेरे क्रिकेट खेलने को अच्छा काम नहीं मानते थे, उन्हें लगता था कि अगर मैं भी थोड़ा कमाऊंगा तो परिवार में योगदान कर सकता हूं, लेकिन मोटरसाइकिल जब मिली तो उनकी जिंदगी काफी आसान हो गई और वो
अपना सिलेंडर वाला काम जो है वो मोटरसाइकिल से करने लगे। इसके बाद वो कहते हैं कि वक्त बुरा आ गया, परिवार पर कर्ज बढ़ गया और कर्ज की वजह से हमने तय किया कि मुझे भी नौकरी करनी चाहिए क्रिकेट खेलने के साथ साथ। तो अंडर 19 क्रिकेट चल रहा था लेकिन नौकरी के लिए मैंने भाई से कहा, वो एक जगह पर ले जाता है, झाड़ू पोछा मुझे करना होता है, कुछ दिन मैं करता हूं लेकिन फिर अपनी माँ के पास आकर कहता हूं कि मुझ पर भरोसा करो, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा और मैं कर दिखाऊंगा। और उसके बाद पंजाब से फिर KKR और बीते 7 सालों से लगातार KKR उन्हें रिटेन कर रही है। वो कहते हैं कि KKR ने उनका उनके परिवार को साथ तब दिया जब जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत थी और उनके दिल में हमेशा KKR को लेकर यह रहा कि इसका कर्ज जो है वो उतारना है। आप कह सकते हैं कि उन्होंने KKR का कर्ज जो है वो सूत समेत उतार दिया। बड़े बड़े खिलाड़ी जहां करोड़ों लेके फ्लॉप चल रहे हैं, वहां रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ पारी खेली, ऐसी पारी खेली जिसे कई कम से कम 1-2 दशक तो याद किया जाएगा। लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे सीजन दर सीजन कि हार नहीं माननी, 29 रन भी बन। दरअसल KKR ने जब रिंकू सिंह को रिटेन किया तो रिंकू सिंह के नी में इंजरी हो जाती है और ये इंजरी थोड़ी जटिल थी। रिंकू ये कहते हैं कि मैंने KKR के लिए कोई ऐसी पारी नहीं खेली थी जो यादगार वाली हो और इस वजह से तकलीफें बढ़ रही थी। मुझे लगा कि शायद मेरी मदद नहीं होगी लेकिन KKR के मैनेजमेंट ने मुझमें पूरा भरोसा जताया और वो टफ टाइम जब पैसे नहीं थे, जब मेरा भविष्य नजर नहीं आ रहा था, बल्ले से उतने रन नहीं बने थे, तब KKR मैनेजमेंट मुझे बैक किए हुए खड़ा था। और ये सारी बातें उन्होंने एक जर्नलिस्ट से इंटरव्यू के दौरान कही, वो भावुक हुए, कहा KKR मैनेजमेंट की वजह से मुझे जो बैकअप मिला उसकी वजह से मेरे परिवार की स्थिति आसान हुई, मुझे क्रिकेट खेलने की छूट मिली और परफॉर्मेंस नहीं थी, दिल में गिल्ट चलता था कि मैं क्या करूंगा। हालांकि इस मैच को लेकर वो कहते हैं कि उन्हें शुरुआत में यह लगा कि यार हो सकता है, क्योंकि बीते सीजन में भी लखनऊ के खिलाफ मैंने एक ऐसी पारी खेली थी जहां मैंने ताबड़तोड़ रन बनाए थे और मुझे लगा क्रिकेट में कुछ असंभव नहीं है। वैसे भी यश दयाल ने 2 दिन पहले ही कहा था कि मैं बड़ा खिलाड़ी हूं, महान खिलाड़ी हूं, तो मुझे लगा कि यश को बताते हैं कि हाँ। दरअसल यश का एक इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल हो रही जहां पर वो रिंकू कहते आ रहे हैं कि भाई तुम बड़े खिलाड़ी हो, और आज रिंकू ने जब 5 छक्के मारे तो दुनिया कह रही है कि यार ये छोटी हाइट वाला खिलाड़ी जो है ये बड़ा प्लेयर है। हम लोग स्कूल कॉलेज में कहते थे ना कि हाइट कम फाइट ज्यादा, ये एक्चुअली वही है। छोटा है देखने में छोटा लेकिन घाव करे गंभीर और जबरदस्त बल्लेबाजी, चारों तरफ चर्चा है। उधर सोशल मीडिया पर भी रिंकू को लेकर इस वक्त चारों तरफ मीम्स की बौछार आ गई। किसी ने वो मीम बना दिया कि रिंकू नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं, एक्चुअली मैं फायर है। और पुष्पा की जहां रिंकू बिल्कुल सूट भी होता है, होता है ना, छोटा सा नाम है, रिंकू नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर में। एक वो KGF वाला भी चल रहा है कि भीड़ में जो आते हैं झुंड लेके वो गैंगस्टर होते हैं और जो अकेला आता है वो मॉन्स्टर होता है, रिंकू भाई मॉन्स्टर है। एक चल रहा है कि KKR के जितने बड़े खिलाड़ी हैं वो सब सरेंडर किए हुए हैं कि भाई यार रिंकू भाई क्या कमाल है। हालांकि दिन उनका है, इसी वजह से शाहरुख खान ने भी आज चारों तरफ पोस्ट डाल रखी, लिखा कि झूमे रे रिंकू माई डार्लिंग, तमाम चीजें। और रिंकू की बल्लेबाजी एक्चुअली क्रिकेट और जिंदगी दोनों को उम्मीद देने वाली है कि आपको हार नहीं माननी है। रिंकू जिंदगी में भी हार नहीं मानी और क्रिकेट की पिच पर भी 29 रन जब चाहिए थे तो हार नहीं मानी। और कई बार जब जिंदगी आपको बहुत ग्रिल करती है तो आप मेंटली बहुत टफ हो जाते हैं और रिंकू सिंह के साथ वो बात दिखती है कि वो जो परिवार का संघर्ष है, वो जो परेशानियां उन्होंने सही, वो जो बहन की शादी, भाई की शादी, पिता का काम करना, भाई का मजदूरी करना, उनका झाड़ू पोछा करना, उसके बीच में आप मेंटली बहुत टफ हो गए। आपके पास पाने के लिए दुनिया है, खोने के लिए कुछ नहीं है, जो आपने हासिल किया है वो आपके लिए सब एक्स्ट्रा है। और ऐसे लोग कई बार जिंदगी में कुछ बड़ा कर जाते हैं और लेट्स जस्ट होप कि रिंकू को आगे भी अच्छे मौके मिले, अच्छा परफॉर्म करे। हमारी तरफ से रिंकू को शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस रिंकू सिंह।